हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि निम्न को कैसे बनाओगे। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में कि केवल समीकरण दीजिए। इसमें हमें केवल समीकरण लिखना, उसकी विधि का वर्णन बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल समीकरण समीकरण लिखना होता है। तो आज हम इनको समझेंगे, इनके साथ साथ और क्वेश्चनों को भी समझेंगे। ये स्टूडेंट समझते हैं अब इन अभिक्रियाओं को। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फिनॉल से क्लोरोबेंजीन की। अब इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि इसमें आपको सूत्र याद होना चाहिए पूरे के किस तरीके से। जैसे कि मैंने कहा फिनॉल, तो फिनॉल का तुम्हें सूत्र याद होना चाहिए। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर अगर OH होता है, बेंजीन के ऊपर अगर OH होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। और क्लोरोबेंजीन का भी सूत्र याद होना चाहिए। जैसे फिनॉल का सूत्र याद है, वैसे क्लोरोबेंजीन का भी सूत्र याद होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? जैसे बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। अगर Br जुड़ रहा है, ब्रोमीन जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे? आयोडोबेंजीन। इस तरीके से होता है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमें फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है। अगर तुम्हें सूत्र याद है तो सबसे पहले फिनॉल को क्या करना है? इधर रख लेना है, फिनॉल को रख लिया। और बनाना क्या है? क्लोरोबेंजीन। वो तीर लगा के उधर रख दिया। अब करेंगे क्या हम तीर? देखो, ये हमने फिनॉल रख लिया और ये हमने क्लोरोबेंजीन रख लिया। अब यहाँ पे हम फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से इसकी क्रिया करवाएंगे, BCl5। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस यानी पी, पेंटा यानी पांच, Cl यानी कि क्लोराइड। जैसी क्रिया करवाएंगे, कभी भी ध्यान रखना है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड कभी भी क्रिया करता है तो सबसे पहले क्या निकल जाता है? POCl3। यानी कि ये हमेशा ऑक्सीजन लेकर निकल लेता है। क्या लेकर निकल लेता है? दो क्लोरीन छोड़ जाता है और एक ऑक्सीजन लेकर निकल जाता है। अब ये क्लोरीन छोड़ गया कितनी? दो। कितनी क्लोरीन छोड़ गया? ये दो क्लोरीन। और यहाँ ये ऑक्सीजन लेके भग गया, ये वाली ऑक्सीजन को लेकर निकल गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक क्लोरीन जो है ना, दो क्लोरीन बची है, एक क्लोरीन क्या होगी? एक एच के साथ चली जाएगी। एक क्लोरीन किसके साथ चली जाएगी? एच के साथ। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बचेगा क्या इसमें? अब सीधी सिंपल सी बात देखें अगर, तो इसमें सिर्फ एक क्लोरीन बचेगी और एक बेंजीन बचेगा, क्योंकि वो भी निकल गई और एच भी निकल गया। तो एक क्लोरीन बचेगी जो कि बेंजीन के ऊपर लग जाएगी, यानी कि हमें क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। अब इसका भी फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? एथिल आयोडाइड, एथिल यानी C2H5, आयोडाइड यानी कि आयोडीन, और डाई एथिल ईथर यानी कि क्या होता है? दो बार एथिल है, डाई एथिल ईथर, दो बार एथिल ईथर यानी डाई एथिल ईथर। तो क्या होगा कि डाई एथिल एथिल आयोडाइड की क्रिया जब सोडियम एथोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बन दो को क्या बोलते हैं? सभी को पता होगी, C1 को मैथ, C2 को एथ, C3 को प्रॉप, इस तरीके से सबको पता होगी ना, C4 को ब्यूट। तो C3 को क्या बोलते हैं अपन? प्रॉप। और C2 को क्या बोलते हैं? एथ। तो एथ है ना, तो सोडियम एथ ऑक्साइड, सोडियम एथ ऑक्साइड। तो जैसी क्रिया होगी तो क्या होगा? देखो, जो सोडियम है धनायन है और क्लोरीन क्या है? ऋणायन। तो धनायन ऋणायन को लेकर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब बताओ मुझे कि बचेगा क्या? जो C2H5 बचेगा ना, C2H5 जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, यानी सोडियम की जगह पर आ जाएगा। ये देखिए, C2H5 इसकी जगह पर आ गया, ये बिल्कुल सेम है C2H5 को, C2H5O। और जिस C2H5 है वो Na की जगह पर आ गया और NaI को लेकर निकल गया। सभी को समझ में आ गया होगा। एक और बार समझा देता हूँ। क्या होगा कि क्या लेंगे अपन को क्या बनाना है? एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। तो एथिल आयोडाइड लेना है C2H5 और I, ये एथिल आयोडाइड है और इससे हमें बनाना क्या है? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है? C2H5O C2H5, दो बार एथिल ईथर।
अब देखो कैसे बनाएंगे, ये बनाने के लिए आपके पास CpH5 तो है, तो हम क्या करेंगे कि सोडियम एथॉक्साइड ले लेंगे, सोडियम एथ ऑक्साइड, सोडियम एथ ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, सोडियम एथ ऑक्साइड ले लेंगे, तो क्या होगा आई किसके साथ चली जाएगी, धनायन ऋणायन के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा सोडियम आयोडाइड, और बचेगा क्या C2H5, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा C2H5 यहाँ पे डाइएथेन ईथर बन जाएगा, सभी को समझ में आ गया होगा। और तीसरा क्या है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, ये हमने क्लोरोबेंजीन ले ली, समझ में तो आ रहा है ना सभी को, ये हमने क्लोरोबेंजीन ले ली और इसमें हाइड्रोजन की क्रिया करवाएंगे, तो सबसे सिंपल है, क्लोरोबेंजीन का सूत्र आपको ही सबको और बेंजीन का भी याद है, तो क्लोरोबेंजीन इधर कर दो और बेंजीन उधर कर दो, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि देखो सबसे सीधी सिंपल सी बात, क्लोरोबेंजीन रख दी हमने इधर, क्लोरोबेंजीन इधर रख दी और बेंजीन बनाना है तो उधर रख दी, अब बनाएंगे कैसे, अब यहाँ से क्लोरीन निकालना है तो हम किसकी क्रिया करवा देते हैं, हाइड्रोजन की क्रिया करवा देते हैं, तो एच किसको लेकर निकल जाएगा, सीएल को लेकर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा एच सीएल। अब पता होगी कि जो अगर एक बॉन्ड खाली होता है तो एक एच वहां पे आके जुड़ जाएगा, यानी कि वो वैलेंसी पूरी हो जाएगी उसकी, हाइड्रोजन वहां पे आके जुड़ जाएगा, यानी कि बेंजीन प्राप्त हो जाएगी, सभी को समझ में आ गया होगा, ओके। और आगे देखते हैं, अब चौथे नंबर के आते हैं, क्लोरोफॉर्म से पहले लाइसोसाइनाइड, तो क्लोरोफॉर्म से पहले लाइसोसाइनाइड कैसे बनेगा भैया, क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगी, ठीक है, और फेनिल आइसोसाइनाइड यानी कि फेनिल यानी कि बेंजीन रहती है, ठीक है, उसका एक बॉन्ड खाली होता है फेनिल, और आइसोसाइनाइड यानी कि आइसोसाइनाइड बताया था ना सभी को, आइसोसाइनाइड अगर सीएल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइनाइड, और अगर एनसी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो क्या करेंगे कि देखो प्राथमिक एनिल लेंगे, बेंजीन के ऊपर क्या है NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, तो एनिलीन से वैनिल आइसोसाइनाइड भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो प्राथमिक एनिलीन यानी कि एनिलीन लेंगे और एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म और KOH ले लेंगे, क्लोरोफॉर्म और KOH भी ले लेंगे, जिससे क्या होगा हमारा वैनिल आइसोसाइनाइड तैयार हो जाएगा, तो ये क्लोरोफॉर्म से क्या बन जाएगा, वैनिल आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, प्राथमिक एनिलीन यानी एनिलीन ली, यहाँ पे CH3 और KOH ले लिया, अब क्या होगा कि देखो कि यहाँ पर N है और N के पास में क्या आ जाएगा C, बेंजीन है बेंजीन के पास N है और N के पास में क्या आ जाएगा C, यानी कि क्या हो जाएगा N के पास C आ गया, ये बन गया अपना फेनिल आइसोसाइनाइड। अब सीधी सिंपल सी बात है, सभी को पता होगी कि K प्लस होता है और CN क्या होता है, माइनस होता है, K किसके साथ चला जाएगा, CN के साथ चला जाएगा, यानी कि KCl, अब यहाँ पे CN 3 है और K भी 3 है, क्यों भी जो 3 है वो इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, और K किसके साथ चला जाएगा, CN के साथ, यानी कि 3KCl निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कितने O बचेंगे, तीन ओ बचेंगे, कितने एच बचेंगे, तीन एच बचेंगे, तीन एच ये, एक एच ये, चार और दो एच ये, कितने ओ एच है, तीन चार और दो छह एच ओ है आपके पास, और ओ कितने है टोटल, ओ टोटल है तीन, तो छह एच और तीन ओ, छह एच और तीन ओ क्या हो जाएगा, थ्री एच टू ओ नहीं हो जाएगा क्या, थ्री एच टू हो जाएगा, सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। आगे देखते हैं, अब क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन, ये भी समझा चुका हूं मैं पिछली वीडियो में, लेकिन फिर एक और बार समझ लेते हैं हम, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन कैसे बनाएंगे कि देखो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे एसीटॉन और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन बनाना है तो सिर्फ कुछ भी नहीं करना, क्लोरोफॉर्म में एसीटॉन डालना है, एसीटॉन क्या होता है सभी को याद होगा, एसीटॉन एसीटॉन का फॉर्मूला क्या होता है, अगल बगल सी एच थ्री और बीच में CO, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना CH3CO CH3, सिंपल है ना, अगल बगल सी एच थ्री बीच में CO, लेकिन अभी मैंने ऐसे रख रखा है इसको CH3CO और ये CH3, तो क्या होगा कि यहां से जो H है और ये O है वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा,
ये डबल बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, डबल एक कार्बन का हाथ फ्री होगा, एक ऑक्सीजन का हाथ फ्री होगा, तो ऑक्सीजन किसको जोड़ लेगी, एच को जोड़ लेगी और ये हो जाएगा OH। और जो कार्बन है, कार्बन का हाथ फ्री होगा, वो किसको जोड़ लेगा, CCl3 को जोड़ लेगा, CCl3 को जोड़ लेगा, CCl3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से देखो CH3 वैसे के वैसे है, हमारे कार्बन भी वैसा का वैसा है और OH जुड़ के OH हो गया और CCl3 इसमें जुड़ गया। सभी को समझ में आ गया होगा, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन। ओके, तो आगे इसी तरह के क्वेश्चनों को समझने के लिए देखते रहें क्या।